हाय दोस्तों, फनीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ पाया सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होती है और न्यूट्रिशन से भरी होती है। इन सर्दियों में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पाया सूप की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, गैस ऑन कर लिया है। 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे देसी घी, आप ऑयल भी ले सकते हो। अब डालेंगे हम खड़े गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और एक तेज पत्ता। हल्का सा हम खड़े गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे। कर लिया हमने फ्राई। अब डालेंगे इसमें हम एक बड़े साइज की प्याज, लंबे पीसेस में कटी हुई। इसे हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका। हो गई प्याज सॉफ्ट। अब डालेंगे इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसे मैंने रफली कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली है, 3-4 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है बस। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून से भी कम हम डालेंगे हल्दी। इन सारी चीजों को हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कर लिया हमने अच्छे से फ्राई। अब डालेंगे इसमें हम पाए। यहाँ पे मैंने 2 पाए लिए, अच्छे से धो के साफ करके लिया है इसे। हमारे यहाँ पे इस तरह से भुने हुए मिलते हैं, अगर आपको कच्चे भी मिलते हैं तो चलेगा, अच्छे से धो के ले लीजिएगा। डाल देंगे पाए। अच्छे से हमें पाए को मसालों के साथ भूनना है 2-3 मिनट के लिए। भून लिया हमने पाए अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम 1 लीटर पानी। मैंने 2 पाए के लिए 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बंद कर देंगे हम कुकर की लीड को। पाए अच्छे से गलने तक हमें इसे गलाना है। 10 से 12 सीटी लेनी है हमें इसके, अच्छे से पाए गलने तक। 10 से 12 सीटी हो चुकी है। पूरा प्रेशर रिलीज होने के बाद हम कुकर को खोल लेंगे। पाया सूप बन चुका है हमारा, पाए भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सूप से पायों को अलग कर लेना है एक बाउल में, क्योंकि हमें सूप को छानना है इसलिए हमें पाए को अलग करना है इससे। सारे पीसेस निकाल लेंगे हम। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बाउल, छन्नी रख देंगे उसके ऊपर और छान लेंगे हम सूप को। देखिए इस तरह से चम्मच से हमें सारे मसालों को मैश करना है ताकि इसका पूरा अर्क निकल जाए सूप में। हटा देंगे ये बाकी का हम। अब डालेंगे इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पाए के पीसेस डाल देंगे हम फिर से सूप में। पाए सूप बन के रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कर लेंगे इसे गर्मा गर्म हम सर्व। आप भी इस सर्दियों में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।